नमस्कार, केवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। महोबा शहर में नाबालिग द्वारा अपने ही एक साथी की हत्या का हुआ पर्दाफाश, जहां पर अवैध असला कारोबारी का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड असला कारोबारी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। कहाँ से आया फर्नीचर? बिगड़ जाए, बिगड़ जाए। देखिए, ये 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख की सायं, जैसा कि आपको बताया था, 5 बजे आरिफ की हत्या हुई थी। उसका शव कांसीराम कॉलोनी के ब्लॉक 31 में मिला था। शमशाद उर्फ मुंशी का वह मकान था जिसमें कि शमशाद रहता था। शमशाद के बारे में जैसा कि FIR में भी लिखा है और लोगों से पता भी चला कि ये असलहे का व्यापार करता है, देसी और असलहे दूर से लाकर वो यहाँ बेचता था। और जैसा कि बेचना में पता चला है कि इन छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग हुआ असलहों के लाने में, ग्राहकों को दिखाने में ये किया करता था। आरिफ के पिता इसका विरोध करते थे और इस कारण वह इनसे दुश्मनी मानता था। घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन दो जो बच्चे अपचारी बच्चे हैं, इन्होंने तीसरे आरिफ को बुलाकर और उस शमशाद द्वारा दिए गए पिस्टल से ही उसकी हत्या कर दी। और हमारे प्रभारी निरीक्षक सत्यपाल सिंह, जो विवेचक हैं, उन्होंने बड़ी तत्परता से न केवल अभियुक्तों को पकड़ा है बल्कि उनके पास हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो भी बरामद की है। और उसके साथ साथ जो घटना में जो कारतूस है वह भी उन्होंने खोखा कारतूस भी बरामद किया है। और सर, शमशाद को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस बारे में विवेचना प्रचलित है और शमशाद की तलाश गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही पूरा खुलासा होगा कि इसके नेटवर्क कहां तक है, कहां से असलाह लाता है और कहां किस किस को अभी तक इसने असलाह बेचे हैं, इस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है। इसके अलावा और लोग गिरफ्तारी होने की अभी संभावना? बिल्कुल, इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है जल्दी। असले का सौदागर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। असले का सौदागर जो शमशाद है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए केवी न्यूज इंडिया।